चैप्टर सिक्स देख रहे हैं द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, वैसे इसमें कर्व नहीं है क्योंकि सब चीजें स्ट्रेट है। तो क्योंकि कहा जाता है डेफिनेशन के हिसाब से कि एक सिंपल क्लोज कर्व है जिसमें आपको तीन लाइनें मिलेंगी। ये तीन लाइनें जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। जैसे कोई भी तीन लाइन मैं ले लूं, देखिए ये देखिए ये ट्रायंगल बन गया ना। तो इसकी तीन वर्टिसेस होती है, एक दो तीन। यहां पर आप ए बी और सी तीन वर्टिसेस देख पा रहे हैं। ऐसे इसके तीन साइड्स होते हैं, ए बी बी सी सी ए। ये ए बी हो गया, बी सी हो गया, ये सी ए हो गया। ऐसे एंगल्स हैं, तीन एंगल बन रहे हैं, एक ये दो ये तीन ये। यानी कि एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल, एंगल बी ए सी। ऐसे एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल ए बी सी। ऐसे एंगल आपका बी सी ए, ये वाला एंगल बन रहा बी सी ए। वर्टिसेस मैंने आपको बताई ए बी सी। तो जो साइड अपोजिट है वर्टेक्स के ए के वो है बी सी। और अगर आप जानना चाहें कि जो एंगल अपोजिट है साइड ए बी के, तो अगर ये ए बी है तो कौन सा एंगल अपोजिट है, ये सी एंगल अपोजिट है। तो अब हम जो ट्राइंगल हैं उनके साइड्स और उनके एंगल के हिसाब से ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल मतलब होता है ट्राई मतलब तीन, एंगल मतलब तीन एंगल। जिस भी कर्व के, जिस भी शेप के तीन एंगल होंगे वो हम कहेंगे ट्राइंगल है, ट्राई एंगल। तो इसके साइड और एंगल के हिसाब से इनको हम डिवाइड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। साइड के हिसाब से हम इसे बोलेंगे ये स्केलीन है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है। यानी कि अगर कोई भी साइड बराबर नहीं है तो स्केलीन, आइसोसेलेस मतलब दो साइड बराबर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब तीनों ही साइड बराबर है। एक्यूट एंगल यानी कि आपका एक्यूट एंगल है उसमें ऑब्ट्यूज एंगल, जैसे इस तरीके से हमने बनाया, एक्यूट हो गया अगर हमने इस तरीके से बनाया तो ये ऑब्ट्यूज एंगल मिल गया। राइट एंगल मतलब इस तरीके से बनेगा आपका, ये 90 डिग्री होगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग साइड और साइड के हिसाब से और एंगल के हिसाब से इनको विभक्त करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कुछ ट्राई करते हैं, राइट द सिक्स एलिमेंट्स, थ्री साइड एंड थ्री एंगल्स ऑफ एबीसी। ये भी हम देख चुके हैं लेकिन फिर से कर लेते हैं इसको। मान लीजिए एबीसी, चलिए यहीं पे कर देते हैं इसको। ये एबीसी है तो इसके तीन साइड होंगे ए बी बी सी और ए सी, और तीन एंगल क्या होंगे, एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी, एंगल बी ए बी सी ए, या ए सी बी भी बोल सकते हैं इसको। अगला सवाल है, राइट द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अगर हम ये पी क्यू आर इसको मान लेते हैं, चलिए इसके बारे में, राइट द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स क्यू ऑफ पी क्यू आर। तो क्यू के अपोजिट कौन सा है, पी आर। एंगल अपोजिट टू द साइड एल एम, तो साइड एल एम कौन सा है, ये वाला एंगल अपोजिट क्या है, ये वाला एंगल एम एन एल। इसको इस तरीके से लिखते हैं, एंगल इस तरीके से एंगल बनाते हैं यू, एंगल एम एन एल। वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड आर टी, जो आर टी यह है, इस आर टी के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, तो कौन सा है, एस, एस इज द वर्टेक्स। लुक एट फिगर 6.2 एंड क्लासीफाई ईच ऑफ द ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड एंगल्स। तो साइड के हिसाब से देखिए, ये आपका साइड है, दो साइड बराबर हैं, आइसोसेलेस, आपके तीनों साइड अलग अलग हैं, इसका मतलब ये आपका स्केलीन है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहाँ पर ये ऑब्ट्यूज है क्योंकि ये 90 डिग्री से ऊपर है। ये आपका तीनों, इसमें देखिए 5.2 5.2 5.2, तीनों एंगल बराबर हैं, तीनों साइड बराबर हैं, 60 60 60 डिग्री तीनों हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, लेकिन साथ में दो साइड इक्वल है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस हो गया। ऐसे ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है लेकिन आइसोसेलेस है क्योंकि दो साइड इसके बराबर है। तो मीडियन क्या होती है, मीडियन ट्राइंगल की, मीडियन ट्राइंगल का पहले तो देखिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं आप। इसका तरीका यह होता है कि अगर आप फोल्डिंग पेपर से निकालें या आप सीधा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना चाहें, तो आप क्या करेंगे, यहां पर अपना प्रकार रखिए, कोई भी लाइन अगर आप निकालना है तो प्रकार रखिए, यूं कट करिए और यूं कट करिए, फिर यहां प्रकार रखिए, यूं कट करिए, यूं कट करिए, और सीधी ये ऐसे कटेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा इस लाइन का, राइट। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक साइड का, ऐसे आप बाकी साइड का भी बना सकते हैं इस, क्योंकि ये तीनों लाइनें तो हैं, ट्राइंगल का मतलब क्या है, तीन लाइनें हैं। बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए,
जब हम जो मीडियन है वो क्या करता है, वो कनेक्ट करता है वर्टेक्स को, एक वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, बाइसेक्टर का मतलब तो यही हो गया ना, इसने इसको डिवाइड कर दिया दोनों को और परपेंडिकुलर भी है, बेसिकली मिड पॉइंट बनाता है एक लाइन का मिड पॉइंट। तो इस लाइन का मिड पॉइंट निकलेगा यहां पर। तो अगर हम अपोजिट पर, इस बीसी का अपोजिट क्या है, ए, ए को डी से ज्वाइन कर दें, ए को डी से ज्वाइन करें तो ये क्या होगा, इसको कहेंगे मीडियन। मीडियन क्या कनेक्ट होती है, मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो कनेक्ट करती है एक वर्टेक्स को उसके अपोजिट के, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से। तो हाउ मेनी मीडियंस कैन अ ट्रायंगल हैव, जरा बना के देखते हैं। ए बी सी, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, इसके अपोजिट क्या है ये, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, तो कितनी हो सकती, अच्छा ये एक ही पॉइंट से पास होंगी, कितने मीडियंस हो सकती है, तीन। Does a median lie wholly in the interior of the triangle? Do you think that this is not true? Draw a figure to show that case. तो अगर हम कुछ इस तरीके से बनाएं, इस तरीके से ट्राइंगल बनाएं, तो आप देखिए जब हम इसको ज्वाइन करेंगे यहां वाले, इसको इसके सेंटर से, इसको इसके सेंटर से और इसको इसके सेंटर से, तो क्या ये जरूरी है कि ये बाहर हो, क्या ऐसा हो सकता है? जो इंटीरियर होगा ट्रायंगल के, इंटीरियर में मीडियन आएगी। ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ऑल्टीट्यूड क्या होती है ट्रायंगल की, कोई भी ट्रायंगल होगा, कोई भी ट्रायंगल बनाइए, ऑल्टीट्यूड मतलब होता हाइट। अब ये बताइए कि ये ट्रायंगल जो है, अगर हम इसको टेबल पर रख दें और हम बोले कि इसकी हाइट क्या है, तो इसकी हाइट ये ना यहां से लेकर यहां तक हाइट होगी, तो यहां से यहां तक हाइट जो है उसे ही हम ऑल्टीट्यूड कहेंगे। हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज ऑल्टीट्यूड। जो लाइन सेगमेंट है, ऑल्टीट्यूड कैसे निकलेगी, आपको इस वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से, अच्छा ऑल्टीट्यूड जो है वो एक प्रॉपर तरीके से निकलेगी, जैसे बीसी बेस है आपका ट्रायंगल है बीसी बेस, तब उसकी ऑल्टीट्यूड निकालनी है। क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा ऐसा कर दूं यहां पर थोड़ा सा बढ़ा के, मान लीजिए टेबल ही है, टेबल पर मैं इस तरीके से रख दूं इसको, अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो अब ये जो होगी ना ये ऑल्टीट्यूड हो जाएगी। तो ऑल्टीट्यूड देखिएगा कि साइड के हिसाब से चेंज होगी, इसलिए आप देखिए कि इस ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का जो एबीसी है जिसमें बीसी बेस है, बीसी बेस है उसका हाइट, और हाइट क्या होती है, हाइट मतलब होता है, देखिए कोई भी चीज अगर आपको नियरेस्ट देखनी है तो आप क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो ए से बीसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही आपकी, ये आपकी ऑल्टीट्यूड कहलाएगी। तो ऑल्टीट्यूड का जो एक एंड पॉइंट होता है वो वर्टेक्स होता है किसी ट्रायंगल का, दूसरा अपोजिट साइड होता है यहां पर, राइट। तो हर एक वर्टेक्स से आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, ये ऑल्टीट्यूड होगा, ये ऑल्टीट्यूड होगा, और ध्यान रखिएगा ये ऑल्टीट्यूड भी एक ही पॉइंट से पास होते हैं। हाउ मेनी ऑल्टीट्यूड्स कैन अ ट्रायंगल हैव, तीन, तीन हो सकते हैं। अभी हमने बनाया, जैसे मान लीजिए मैं इसको बनाता हूं, एक ऑल्टीट्यूड, एक ऑल्टीट्यूड ये होगी, एक ऑल्टीट्यूड ये होगी और एक ऑल्टीट्यूड ये होगी। ड्रॉ रफ स्केचेस ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी फ्रॉम फॉर द फॉलोइंग। तो ए टू बी सी हमने ये बना दिया, इसमें बना देते हैं ए टू बी सी, ये तो ऑल्टीट्यूड ये वाली है 90 डिग्री है ना, और ए टू बी सी, ए से बी सी के लिए हमको बनाना है, तो ये होगी, आपको इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये होगी ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री। विल एन ऑल्टीट्यूड ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर, देखिए ये बाहर आ गई, तो ये बाहर आ सकती है, देखिए हमने बना दिया अभी। कैन यू थिंक ऑफ अ ट्रायंगल इन विच टू ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर टू ऑफ इट साइड्स, ऐसा हो सकता है? तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, ये इसकी इस साइड, इस वर्टेक्स के लिए, इस वर्टेक्स के लिए ये ऑल्टीट्यूड होगी, इस वर्टेक्स के लिए ये ऑल्टीट्यूड होगी, तो ऐसा हो सकता है। कैन द ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन बी सेम फॉर अ ट्रायंगल, क्या ये हो सकता है? ऑल्टीट्यूड और मीडियन, ऑल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, और मीडियन क्या होता है? आपका सेंटर पॉइंट से जोड़। तो क्या ये बराबर हो सकता है? इज इट पॉसिबल? अगर हम इस तरीके से बनाएं, ये मीडियन है और ये इसका हाइट है, तो बिल्कुल हो सकता है अगर मिड पॉइंट है। अब देखिए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे उसमें ऐसा होता है। अगला है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल और उसकी प्रॉपर्टी को कैसे देखेंगे? अब एक्सटीरियर एंगल का मतलब ये होता है ट्रायंगल का, उसकी प्रॉपर्टी भी देखेंगे हम। एक्सटीरियर एंगल मतलब ये होता है, जैसे यहां मान लीजिए आपके पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, अब जरा बी सी को एक्सटेंड करिए
अब इसी को एक्सटेंड करने के बाद ये देखिए एंगल, तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है। इस एंगल को हम कहेंगे कि एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का जो इस वर्टेक्स सी पे बना हुआ है। तो जो बी सी ए ये वाला एंगल इसके एडजेसेंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इनकी कॉमन आर्म है, इनके बीच में कुछ और भी नहीं है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये वाला एंगल जो एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर है ना। तो एंगल ए और बी अब क्या हो जाएंगे, इसे हम कहेंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या कहेंगे? इंटीरियर अपोजिट एंगल। ध्यान रखिएगा कि ये एक्सटीरियर एंगल है क्योंकि ये इसके समकक्ष है और दोनों एडजेसेंट पेयर है, तो इसके अलावा जो दो होंगे उनको हम कहेंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल, राइट। अब आप देखिएगा कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ए सी डी वो इसके और इसके सम के बराबर होता है। अगर मैं इसको बताना चाहूं आपको तो ये कितना होता है, मान लीजिए एक्स है तो ये एडजेसेंट एंगल है, ये 180 माइनस एक्स होगा, राइट। ये मान लीजिए इन दोनों का सम आपका वाई होता है, मान लीजिए ये दोनों का सम वाई है। और अब देखिए वाई प्लस 180 माइनस एक्स, अच्छा ट्रायंगल के अंदर के एंगल्स का सम जो जोड़ होता है 180 डिग्री होता है, तो वाई प्लस 180 माइनस एक्स ये किसके बराबर हुआ, 180 के बराबर। ये दोनों कैंसिल, एक्स को इधर ले जाइए, वाई को टू एक्स, समझ गया। इन दोनों का जोड़ वाई माना था और ये बाहर का एक्स है, तो वाई एक्स के बराबर हो गया। तो बाहर की जो एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। आप समझ गए कैसे मैंने अभी प्रूव किया, मैं एक बार और करके दिखा देता हूं आपको। ये होता है x, ये होता है 180 माइनस x, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट पेयर हैं। ये आपका हो गया, मान लीजिए इसका और इसका सम हो गया y, तो इन तीनों का सम क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर के एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो हमने क्या किया, 180 माइनस x प्लस y क्या किया, 180 माइनस x प्लस y हमने कहा 180 डिग्री होता है, ठीक। ये दोनों कैंसिल, x इधर जाएगा, x इक्वल टू y, समझ गया। बाहर का एंगल अंदर के सम के मतलब एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो दिस इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम के बराबर होता है, ये आपको प्रूव करना है। मैंने अभी भी आपको प्रूव करके दिखाया, बिल्कुल सेम इसी तरीके से प्रूव है। एक और आपको तरीका बताता हूं, बिल्कुल जो मैंने आपको बताया वैसा ही तरीका है। अब इसको हम थोड़ा सा और मैथमेटिकली थोड़ा सा और डीप जाते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल आपका एबीसी, इसको आपको प्रूव करना है कि जो बाहर का ट्रायंगल है, यानी कि बाहर का एंगल है ए सी डी, ये पूरा एंगल है, इस एंगल और इस एंगल के बराबर। मैं कह रहा हूं कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटरनल अपोजिट, जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है, सम के बराबर होता है। तो इसको कैसे करेंगे, हम एक सी बनाएंगे, एक एंगल सी, एक लाइन बनाएंगे सी से, सी ई, जो ए बी के पैरेलल होगी। ध्यान रखिएगा हमने एक लाइन बनाई सीई से जो ए बी के पैरेलल होगी, ओके हमने पैरेलल बनाई है। अब देखिए क्योंकि हम ये जानते हैं कि ए सी ये लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल है, किसके किसकी, क्योंकि बी ए और सी ई आपने पैरेलल बनाया, ये इसकी ट्रांसवर्सल होगी, राइट। तो एंगल वन और ये दो भाग, दो एंगल बन गए ना, तो इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। एंगल वन और एक्स बराबर हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि कोई भी पैरेलल लाइन में अगर यू बनाएंगे आप इस तरीके से करेंगे कटेगा, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, बिल्कुल सही है। एक्स और वन बराबर हो गया, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो वन और एक्स बराबर हो गया, टू और वाई भी बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है कि जब ये ट्रांसवर्सल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, इसके बराबर, इसलिए 2 और x बराबर होगा, 2 और y बराबर होगा, सॉरी 2 और y करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, 2 और y बराबर हो गए। जरा दोनों साइड को जोड़ दीजिए, 1 को 2 से जोड़िए, x को y से जोड़िए, दोनों को जोड़िए। आप देखिए x प्लस वाई क्या निकल रहा है, 1 प्लस 2 निकल रहा है ना, x प्लस वाई तो पूरा का पूरा ये है, 1 प्लस 2 इंटीरियर अपोजिट है। इससे प्रूव हो गया कि 1 प्लस 2 इक्वल टू ए सी डी, और ये चीज प्रूव करनी थी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इसे हम कहते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है किसी भी ट्रायंगल का, जो मैं इसको बनाता हूं, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। तो एक्सटीरियर एंगल कैन बी फॉर्म्ड फॉर अ ट्रायंगल इन मेनी वेज, थ्री ऑफ देम आर शोन हियर, देयर आर थ्री मोर वेज ऑफ गेटिंग एक्सटीरियर एंगल। तो ये देखिए यू बनाइए, ये एंगल आपके, ऐसी बाकी के बनाइएगा।
आर द एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म एट ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल, क्या ये इक्वल होते हैं? नहीं, ये इक्वल नहीं होते, क्योंकि इसका सम होगा इस केस के बराबर, इसका सम होगा इस केस के बराबर, तो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। कैन वी से दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, कैन वी से अबाउट, वॉट कैन वी से अबाउट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। तो कोई भी एक्सटीरियर एंगल लीजिए, उसका जो जो पेयर है इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। कोई भी लाइन पे अगर ये दो एंगल बनते हैं तो ये कुल मिला के 180 डिग्री होता है। तो एग्जांपल देखते हैं, हमको इसमें x निकालना है। x कैसे निकलेगा इसमें? ये 110 है, ये 50 है, ये x है। हम जानते हैं 110 किसके बराबर है? 50 प्लस x। एक्सटीरियर एंगल होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर, तो 50 प्लस x होगा 110, 50 यहां ले जाइए, 110 से माइनस करिए, x आपका 60 आएगा। व्हाट कैन वी से अबाउट ईच ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल व्हेन एक्सटीरियर एंगल इज अ राइट एंगल? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो 90 डिग्री है, तो हम इंटीरियर अपोजिट क्या कहेंगे? ये प्लस ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। एन ऑब्ट्यूज एंगल, कोई ऑब्ट्यूज एंगल बना दीजिए इसमें, ये वाला, तो ये दोनों भी, ये दोनों जो सम होंगे ये आपके 90 से बड़े होंगे। एक्यूट एंगल है, अगर एक्यूट बनाए, ये सब ऑब्ट्यूज बन रहे हैं, अगर आप एक्यूट बनाएंगे तो अंदर के एक्यूट मतलब सम जो है वो 90 डिग्री से कम रहेगा, सीधी सी बात। कैन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बी अ स्ट्रेट एंगल? क्या एक एक्सटीरियर किसी भी ट्राइंगल का स्ट्रेट एंगल हो सकता है, यानी 180 डिग्री हो सकता है? नहीं हो सकता है। एन एक्सटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑफ मेजर 70 डिग्री, 70 डिग्री है, तो ट्राइंगल बनाते हैं, मान लीजिए ये है, ये 70 डिग्री, ये छोटा दिख रहा है ना, ये 70 डिग्री मान लीजिए, एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट इज 25, तो ये कितना होना चाहिए? ये 70 माइनस 25 यानी कि 45, राइट? 45 प्लस 25 70 होगा। द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 60 डिग्री एंड 80 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो अंदर के एंगल आपको 60 80 दिए हैं, तो इंटीरियर जो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 60 प्लस 80 यानी कि 140। इज समथिंग रॉन्ग इन द डायग्राम? देखिए 50 होता है 50 और 50, नहीं नहीं ये गलत हो गया, ये 50 50 50 के बराबर कैसे हो सकता है? ये 50 है तो ये 50 प्लस 50 100 है, तो 100 तो 50 के बराबर नहीं है, जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ है कि इट हैज टू बी 100 डिग्री, दिस हैज टू बी 100 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम क्या होता है? बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है ये, ध्यान रखिएगा कि जो ट्राइंगल होता है उसके अंदर जितने भी एंगल होते हैं, तीन एंगल होते हैं, तीनों को आप जोड़ेंगे वो बनेंगे 180 डिग्री। जो सम है तीन एंगल का, जो मेजर है ट्राइंगल का, वो 180 डिग्री होता है। आप इसको एग्जाम्पल के तहत भी कैसे कर सकते हैं, आप पूरा इस तरीके से एक डायग्राम बनाइए, ये एंगल मेजर करिए, आपको खुद दिख जाएगा कि ये एंगल अगर हम मेजर करके ऐड करेंगे तो हमको क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। उसका सीधा तात्पर्य क्या है? जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं ये पूरा एंगल क्या है, ये पूरा एंगल क्या है? 180 डिग्री। ये मान लीजिए x है, ये बाहर का x है, ये x इसके बराबर है 2 प्लस 3। देखिएगा मैं एक काम करता हूं, इस तरीके से बताता हूं आपको, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये कितना है? 1 प्लस x, ये 1 प्लस x कितना होगा? 180 डिग्री। ये तो हम जानते ही है, एक लाइन पे ये पूरा एंगल तो 180 डिग्री के बराबर होता, तो 1 प्लस x मैंने हो गया 180 डिग्री बराबर। इसी तरीके से आप ये देखिए, मैं इसको y बनाता हूं, y किसके बराबर हो गया? 1 प्लस 2 यानी, और ये y प्लस 3 किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री के बराबर। ऐसी 2 अगर आप एक्स वाई इसको z मान लीजिए, z प्लस 2 क्या हुआ? 180 डिग्री बराबर, राइट? अब देखिए कि मैं जब इन सबको जोड़ूंगा, इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस x प्लस y प्लस z इक्वल टू 180 प्लस 180 प्लस 180। अब मैं जानता हूं y प्लस 3 हमारा 180 होता है ना, x प्लस y प्लस z ये एक्सटीरियर एंगल है, अगर मुझे सम इसका बताना है x प्लस y प्लस z तो ये एक्सटीरियर होगा, एक्सटीरियर का सम, और ऐसे ही 1 प्लस 2 प्लस 3 का सम होगा हमारा 180 डिग्री, अंदर वाले का सम। तो ये जो है कुल मिला के दिस इज इक्वल टू, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 एक्सटीरियर एंगल अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 360 डिग्री।
एक पॉइंट के अराउंड जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। जरा इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये दो 180 कैंसिल हो जाएंगे, 180 डिग्री, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज 180 डिग्री। ये मैंने आपको एक तरीका बताया, लेकिन ऐसा अभी हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमने प्रूव किया था कि एक्सटर्नल एंगल अंदर के दोनों अपोजिट एंगल के बराबर होता है, साइड के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर आप एक ट्रायंगल लें और यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें यू, और आप इन तीनों को जोड़ें, ये एंगल को, या फिर इन तीनों को एंगल को जोड़ें, तो भी आपका क्या निकलेगा, 180 डिग्री का। अगर और इसको विभक्त कर दें, और तोड़ दें, जितने भी ट्रायंगल बनेंगे, जैसे मैंने इसको ट्रायंगल बना लिया, तो ये तीनों का सम भी 180 डिग्री होगा, राइट। तो किसी भी ट्रायंगल को आप बनाएंगे, प्रोटेक्टर से बनाइए, मेजर करिए उन एंगल को, आप ध्यान रखिएगा किसी भी ट्रायंगल का अगर आप अलग अलग एंगल निकालें, उनको जोड़ें, इस सारा का सारा 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो अब हम जरा जस्टिफिकेशन इसका देते हैं, अब फॉर्मल जस्टिफिकेशन दिया जाए कि जो टोटल मेजर है वो तीन एंगल का 180 डिग्री होता है। कैसे, मैंने जो आपको तरीका बताया था उसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। एंगल 1, 2 और 3 ये एंगल है, 4 इसके एक्सटीरियर है। आप देखिए 1 + 2 किसके बराबर है, 4 के बराबर, ये एक्सटीरियर प्रॉपर्टी हो गई। 1 + 2 + 3 ये किसके बराबर हो गए, हमने क्या किया, 4 ये हमने क्या किया, दोनों साइड जो है एंगल 3 जोड़ दिया। देखिएगा, हमने दोनों साइड जो है एंगल 3 जोड़ दिया। तो यहां पर 1 + 2 + 3 और 4 + 3, हम जानते हैं 4 + 3 क्या होता है, किसी भी लाइन में अगर इस तरीके से कोई भी लाइन होगी, इसका पूरा एंगल जो होता है, क्योंकि पूरा का पूरा 360 होता है, आधा कितना होता है 180 डिग्री, ये 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री, ये 4 + 3 कितना हुआ, ये 4 + 3 हुआ 180 डिग्री, तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया 180 डिग्री। तो एंगल 1 + 2 + 3 180 डिग्री। अब इसका फॉर्मल प्रूफ है, ये आपको प्रूफ याद रखना है, जैसे कि हमने एक्सटर्नल प्रॉपर्टी यूज करके, तो जो टोटल एंगल मेजर है तीन एंगल का, एक ट्रायंगल के 180 डिग्री होता है। तो इस ट्रायंगल में आपको ये एंगल निकालना है, बड़ा आसान है, तीनों का जोड़ क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, यानी कि दिस एंगल प्लस 47 प्लस 52 इज इक्वल टू 180। इन दोनों को जोड़िए और इससे घटा दीजिए, 180 माइनस 99 आपका 81 डिग्री आएगा। टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 30 एंड 80, आपको तीसरा निकालना है, तो 30 और 80 कितना होता है 110, 80, 90, 100, 110, 180 से माइनस कर दीजिए 70, इसका आंसर आएगा 70। वन ऑफ द ट्रायंगल इज 80 डिग्री एंड अदर टू आर इक्वल, तो x प्लस 80, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर है, इसलिए हमने x x ले लिया, ये कितना हो 180 डिग्री के बराबर। इस 80 को यहाँ ले जाइए, 2x इक्वल टू, ये 80 माइनस होगा इससे तो 100 आएगा, तो x कितना आएगा 50, तो 50-50 है इसका आंसर। थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:1, यानी कि एक x है, दूसरा 2x है, तीसरा x है, वो x, 2x, 3x, ये किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर, तो कितना होगा ये 4x, 4x इसके बराबर हो गया 180 डिग्री के बराबर, x कितना आएगा 180 बाय 4, कितना होगा 4 4 16, 4 5 20, 45 है, तो ये हो गया 45, ये हो गया 45, ये हो गया 90, 2 × 45 = 90, एक एंगल 45, दूसरा एंगल 45, तीसरा एंगल 90। अब ये चीजें हैं, इसको जरा ट्राई करिए, कुछ इसमें हम ट्राई करते हैं। कैन यू हैव अ ट्रायंगल विथ टू राइट एंगल्स, नहीं, 90 90 180 हो जाएगा, दो एंगल ही बना लेंगे 180, तो तीसरे का क्या होगा, तो ये इस तरीके की बात हो रही है, ऐसे बनेगा ये 90 डिग्री 90 डिग्री। कैन यू हैव अ ट्रायंगल विद टू ऑब्ट्यूज एंगल, बिल्कुल नहीं, 90 के ऊपर चल जाएंगे वो। कैन यू हैव अ ट्रायंगल विद टू एक्यूट एंगल, बिल्कुल हो सकते हैं। कैन यू हैव अ ट्रायंगल विद ऑल द थ्री एंगल्स ग्रेटर देन 60, नहीं, 60 के ऊपर गया, 60 + 60 + 60 ही 180 होता है, इसके ऊपर नहीं जा सकते। कैन यू हैव ट्रायंगल विद ऑल द थ्री एंगल्स 60 डिग्री, यस, इसे ही हम आइसोसेलिस ट्रायंगल कहते हैं, 60 × 3 होता है 180, ये बिल्कुल सही है। कैन यू हैव अ ट्रायंगल विद ऑल द थ्री एंगल लेस देन 60 डिग्री, ये गलत हो गया, क्योंकि 180 तो बनाना ही है ना, 60 से कम हो गया, मान लीजिए 55 भी हो गया, तो आपका 55 55 55 कितना हुआ 180 से 15 कम रह जाएगा, तो नहीं बन पाएगा ये। टू स्पेशल ट्रायंगल, ये जो स्पेशल ट्रायंगल्स हैं ये बहुत काम आने वाले हैं आगे चल के, इनको समझना बहुत जरूरी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ट्रायंगल का मतलब ये होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये होता है सारे साइड इक्वल, और सारे साइड इक्वल हैं और सारे एंगल भी इक्वल हैं इसके, और सारे एंगल इक्वल मतलब यह है x + x + x कितना है 180 डिग्री, तो 3x हो गया 180 डिग्री,
तो x कितना आ गया 180 बाय 3, 3 6 18 60, तो x आ गया 60 डिग्री, 60 60 60, साइड भी बराबर है राइट। तो सारे साइड इक्वल होंगे और हर एक मेजर 60 डिग्री होगा, ऐसा ट्राइंगल हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड इक्वल होते हैं उसे हम कहते हैं आइसोसेलिस ट्राइंगल। तो जो आइसोसेलिस ट्राइंगल होगा उसके दो साइड बिल्कुल सेम लेंथ के होंगे राइट। और जो बेस एंगल होगा, अब जो दोनों साइड एंगल है, दो ध्यान रखिएगा जो साइड बराबर होते हैं उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, ये एंगल और ये एंगल इसके बराबर, दोनों बराबर होंगे। जैसे ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये कुछ भी हो सकता है भाई, लेकिन अगर ये एक्स है ये भी एक्स होगा। दो आइसोसेलिस ट्राइंगल के दो साइड बराबर होते हैं, दो एंगल बराबर होते हैं जो इसके अपोजिट है। अब जरा ट्राई करते हैं, ये एक लाइन का, ये जो दो लाइन दी है ना, इसका मतलब दोनों बराबर है। ये दो लाइनों से पता चल रहा है कि ये बराबर है। ये 40 है तो ये भी 40, ये 45 है तो ये भी 45, तो ये कितना हो गया 45 45, कितना हुआ ये तो 90, तो ये कितना होना चाहिए 180 माइनस 90 90 हो गया। ये 50 है तो ये 50 होगा क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं। ये 100 है, ये x है, ये x है, तो ये कितना है, ये दोनों मिला के 180 माइनस 100 यानी कि ये 40 होना चाहिए, ये 40 होना चाहिए। ये x है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। ये 40 है, ये x है, तो ये भी x होगा। अब x टू x प्लस एक्स प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 40 दैट इज 140, तो ये कितना हो जाएगा 70 और 70, ये कितना है 120, तो ये कितना होगा 180 माइनस 120 यानी कि 60। अब ये दोनों बराबर हैं तो ये भी 60 होगा। ये 110 है, ये कितना होगा 70, ये दोनों बराबर हैं है ना, तो 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 कितना होता है 110। अब ये दोनों बराबर हैं तो आधा आधा करना पड़ेगा 55, ये 55 ये 55, ये 30 है वर्टिकली ऑपोजिट से, ये भी 30 हो जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो ये भी 30 होगा। फाइंड द एंगल एक्स एंड वाई इन दिस फिगर, एक्स एंड वाई कैसे निकालेंगे, ये 120 है, ये होगा 60 राइट। ये दोनों आपके बराबर, ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये 60 है तो ये भी 60 है, तो ये भी 60 होगा क्योंकि 60 प्लस 60 प्लस 60 होता है 180 डिग्री। ये वाई है, ये 180 माइनस वाई हो जाएगा राइट, 180 माइनस वाई, तो 180 माइनस वाई और एक्स बराबर है। और 180 माइनस वाई प्लस एक्स ये किसके बराबर है, 90 के बराबर। कैसे, क्योंकि ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 180 माइनस वाई हो गया प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 है तो इन दोनों का जोड़ भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसको जरा करके देखें, 90 को इधर लाते हैं, इन दोनों को इधर ले जाते हैं, तो 180 माइनस 90 इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, तो वाई माइनस एक्स कितना हुआ 90। तो ये y माइनस एक्स, ये इससे ये रिलेशनशिप बन पाएगा क्योंकि और कुछ दिया नहीं हुआ है। ये 92 है वर्टिकली ऑपोजिट से, ये भी 92 हो जाएगा। अब ये दोनों साइड इक्वल है तो ये x है, तो ये 180 माइनस y। अब आपको करना क्या है, 180 माइनस y प्लस x प्लस 92 इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों कट गए, आपका x x माइनस y या y माइनस x आ गया आपका 92, बस ये बता सकते हैं आप इसमें। सम ऑफ दी लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, कि जब हम दो चीजों को जोड़ते हैं, दो साइड को जोड़ते हैं, तो हमेशा वो तीसरे साइड से ज्यादा होती है। ट्राइंगल में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी और ए सी को जोड़ें तो वो बी सी से ज्यादा निकलेगी, अगर ए बी और बी सी को जोड़ें तो वो ए सी से ज्यादा निकलेगी, अगर ए सी और बी सी को जोड़ें तो ए बी से ज्यादा निकलेगी। तो किन्हीं भी दो को जोड़ दीजिए वो तीसरे साइड से ज्यादा निकलेगी। तो सम जो होता है जो लेंथ का किसी भी दो साइड के ट्राइंगल का, वो हमेशा ज्यादा होता है तीसरे साइड से। तो ये आप कुछ चीजें कर सकते हैं, जस्ट ट्राई, कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि ये चीज बिल्कुल एग्जैक्टली प्रेजेंट करती है। तो ड्रॉ एनी थ्री ट्राइंगल से दिस 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 इन योर नोटबुक, यूज अ रूलर। अब इसमें क्या करिए, आप जरूर ये करिएगा कि इन सब का लेंथ नापिए, क्या इन दोनों का लेंथ इससे ज्यादा है, क्या इन दोनों का लेंथ इससे ज्यादा है, क्या इन दोनों का लेंथ इससे ज्यादा। अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जब भी आप दो, अच्छा इसमें एक चीज और है कि आप इसको और इसको जोड़ रहे हैं और इसको और इसको जोड़ रहे हैं, तो जब भी जोड़ रहे हैं तो एक वर्टेक्स इसमें कॉमन है, ये ध्यान रखिएगा। तो सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, यही बताना चाह रहे थे। तो अगर हम यहां पर देखें, एक ट्राइंगल है 10.2, 5.8 और 4.5 साइड दिया हुआ है,
जरा दो दो को जोड़ के देखिए, 10.2 को जोड़िए 5.8 से, आपको ये बताना है कि क्या ये ट्राइंगल ऐसा हो सकता है। तो दो साइड को जोड़िए, तीसरे से उसको कंपेयर करिए, 4.5 को 5.8 से जोड़िए और 5.8 को 10.2 से जोड़िए, 10.2 को 4.5 से जोड़िए। देखिए इसमें ये 10.2 से ऊपर निकल गया, ये 4.54 से 5 से ऊपर निकल गया, ये 5.8 से निकल गया। तो इसका मतलब दो साइड को हम जोड़ रहे हैं किसी भी दो साइड को, तो तीसरे से ऊपर निकलना चाहिए, वो तीनों में हो रहा है, इसलिए ट्राइंगल पॉसिबल। द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 6 and 8, बिटवीन विच टू नंबर्स कैन लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। 6 से 8 है, ठीक है। अब देखिएगा, मैं बताता हूं आपको तीसरा साइड किससे ऊपर होगा। पहले तो आप समझ लीजिए कि 6 से 8, 6 और 8 लेकिन 14 हुआ, तो ये 14 जो होगा थर्ड साइड 14 से कम होगा, लेकिन किससे ज्यादा होगा, इनके सब्ट्रैक्शन से, इनसे डिफरेंस है 8 माइनस 6, तो 2 से 14 के बीच में होगा। ध्यान रखिएगा, इसका सम निकालिए, इसका सब्ट्रैक्शन और इनका सब्ट्रैक्शन करिए या इनका डिफरेंस निकालिए, आपके तीसरे की जो साइड होगी वो इन दोनों के बराबर के बीच में होगी। इज द सम ऑफ एनी टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड एंगल। ये अभी ये बिल्कुल इस तरीके से नहीं है जैसे साइड है ना, साइड के लिए वैलिड है, इसके लिए ये ऐसा वैलिड नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसमें देखिएगा कि ये जो राइट एंगल होगा उसके जो अपोजिट साइड होती है उसको कहते हैं हम हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज राइट। ये इसके आर्म्स है, जो इसके अपोजिट होता है वह हाइपोटेन्यूज होता है। तो अगर आप देखें इस ट्राइंगल को जिसमें ये 90 डिग्री है, ये ए हम हाइपोटेन्यूज कह रहे हैं, ये बी और सी। अब आप देखिएगा कि इनको जोड़िए, इस बी को सी से इसको इसका स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर का, इन बी स्क्वायर का बी स्क्वायर करिए और सी स्क्वायर को करिए, इन दोनों को जोड़िए, क्या ये ए स्क्वायर के बराबर आता है? क्या ये ऐसा होता है? अगर आप देखेंगे तो ये वाकई में आएगा, यानी कि अगर आप इस साइड का लेंथ निकाल के स्क्वायर करेंगे और इन दोनों के जो 90 डिग्री को ले रहे हैं, मतलब जो जो वर्टेक्स 90 डिग्री को ले रहा है वो वाले आर्म्स, बी का स्क्वायर करें, सी को स्क्वायर करें और ये ए स्क्वायर के बराबर होगा। इस जो स्क्वायर होगा हाइपोटेन्यूज का, वो उसके जो स्क्वायर है, जो आर्म है, जो लेग्स हैं जो 90 डिग्री को लिए हैं, उसके बराबर होते हैं। और भी ट्राई कर लीजिए आप, क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मैं इसको इस तरीके से समझाऊं कि ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल इस लेंथ को लेके हमने ये बना दिया एक स्क्वायर, इसको हमने लेके एक स्क्वायर बना दिया, इसको हमने लेके एक स्क्वायर बना दिया, और अगर हम यहां पर ये जो बी साइड है तो इसका एरिया बी स्क्वायर, इसका एरिया ए स्क्वायर, इसका सी स्क्वायर, तो हमने क्या किया, एरिया नापने की कोशिश की। अगर हमको ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को निकालने के लिए हम या तो इन सबको कंबाइन करके इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, देखिए ये बहुत ही आसान है, आपको करना केवल ये है कि 4 स्क्वायर ये एरिया हो गया, 5 स्क्वायर ये हो गया, इन दोनों का एरिया ऐड करेंगे तो 6 स्क्वायर के बराबर आएगा, बस ये करना है। अगर आप इसी को लें 4 और 5 और 7, तो देखिए 4 स्क्वायर होता है 16, 5 स्क्वायर होता है 25, 7 स्क्वायर होता है 49, 16 और 25 जो होता है ये बनेगा 41, 41 49 के बराबर नहीं होता है, तो इसका मतलब ये चीज़ सही नहीं है। अगर 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो ये राइट एंगल नहीं बनाएंगे बेसिकली, ओके। पाइथागोरस प्रॉपर्टी तब होल्ड करती है जब ट्राइंगल राइट एंगल हो। अगर राइट एंगल है तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी, जो कि इसका स्क्वायर इसके और इसके सम के बराबर होगा, वो हमेशा होल्ड करेगी। अब हमको बताना है कि जो ट्राइंगल है 3, 4 और 5 क्या राइट एंगल बना रहा है, तो हम ऐसे बनाते हैं, 3 ये बनाते हैं, 4 बनाते हैं, 5 बनाते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 5, 9 और 4 का स्क्वायर 4 16, सॉरी 9 और 16 को जोड़ेंगे तो आएगा 25, 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, बिल्कुल सही हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हाँ, एक और चीज़ बता दूँ आपको, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, इसमें हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइज होती है, इसलिए हमने 5 को लॉन्गेस्ट बनाया। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है सी पे, यदि ए सी 5 है, बी सी 12 है, तो ये कितने निकलेगा, 5 स्क्वायर करिए, 12 स्क्वायर करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर, 5 का 25, 12 का 144, 144 को 25 से करेंगे तो 169 क्या होता है, अंडर रूट करिए इसका, या फिर इसको देखिए किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर, तो 13 ये साइड आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको जानना है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक करनी पड़ेगी आपको। तो इसमें देखिए अननोन लेंथ है, तो ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर
थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर यानी कि 9 ये 20 ये 5 आएगा क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 फोर 25 तो 9 प्लस 4 फोर 16 सॉरी 16 प्लस 9 होता है 25 अगर 5 इंटू 5 होता है तो 5 स्क्वायर तो ये 5 है। ऐसी बाकी आप निकाल सकते हैं तो ये आपका 10 हो जाएगा। ऐसी आप ये वाला निकाल सकते हैं दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज दिस स्क्वायर यहाँ पर 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे यहाँ पर 37 है और 12 है 37 और 12 है और दोनों साइड बराबर है तो ये मिड पॉइंट है। आप ये निकालना चाहें तो देखिए दोनों चाहे 12 ये साइड निकालना है तो ये आएगा 37 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर मैंने केवल ये किया दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 37 स्क्वायर तो 13 स्क्वायर ये साइड क्या आएगी 37 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इसको जरूर करिए 37 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर और इसका ट्वाइस कर दीजिएगा ये पूरी साइड आ जाएगी। यहाँ पर अगर आपको निकालना है एक्स तो कैसे करेंगे ये 3 है ये आपके पास 5 है 3 और 5 और ये भी 90 डिग्री है ये 90 डिग्री है तो आप क्या करेंगे सीधा 5 और ये 90 डिग्री हुआ इसका मतलब 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर ये निकाल देंगे पूरा और फिर पूरा ये आ जाएगा। उसके बाद आप 5 स्क्वायर प्लस 3 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स आ जाएगा। तो व्हाट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट पी व्हाट इज द लॉन्गेस्ट मैं इसको बनाता हूं आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ABC राइट एंगल एट पी तो ये है PQR तो QR इसके लॉन्गेस्ट साइड आ गई ABC राइट एंगल एट बी ये बी है AB AC हो गया इसका। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज तो ये चीज आपने सीख ली। हमने क्या डिस्कस किया इसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स ट्रायंगल के 3 एंगल्स और 3 साइड जो लाइन सेगमेंट होता है जो ज्वाइन करता है एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को उसे मीडियन कहते हैं। एक वर्टेक्स से अगर अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉप की जाए तो उसे हम कहते हैं ऑर्टिट्यूड। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ये होता है अगर हम लाइन प्रोड्यूस करें तो जो एंगल बनता है किसी वर्टेक्स से वो हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल है। प्रॉपर्टी ये है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है तो टोटल मेजर होता है ट्रायंगल के एंगल का उसे हम कहते हैं 180 डिग्री तो तीनों को जोड़ेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सारे साइड बराबर होते हैं सारे एंगल बराबर होते हैं यानी कि 60 डिग्री। ऐसी आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड बराबर होते हैं और उसके अपोजिट जो एंगल है वो बराबर होते हैं। जो प्रॉपर्टी है लेंथ की जो अगर हम दो साइड को सम करें वो तीसरे साइड से बड़ी होगी ट्रायंगल की और जो डिफरेंस होगा लेंथ ऑफ टू साइड दो साइड का अगर सब्ट्रैक्शन करें तो वो इससे कम होगा तीसरे साइड से कम होगा। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है 90 डिग्री के अपोजिट जो वर्टेक्स इस वर्टेक्स के अपोजिट जो होता है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज का वो इन दोनों के या जो आर्म है जिस 90 डिग्री लिया हुआ है उसके सम के बराबर होता है। अगर ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है तो ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तो ये बात हुई आपके इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी आप सभी की।